हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीड करेंगे जो नाइन्थ क्लास की बुक मोमेंट्स, उसका टेंथ चैप्टर रीड करेंगे और उसका टाइटल है द बैगर और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है एंटन चेकव। एंटन चेकव स्टोरी के अंदर जो है एक बैगर जिसका नाम है लश्कोव, तो उसके बारे में बताते हैं। लश्कोव जो है एक ड्रंकर्ड था और एक बहुत शराबी आदमी था और वो अक्सर झूठ बोला करता था। झूठ बोल करके, नाम बदल करके, भीख मांग करके किस तरीके से अपना जीवन यापन करता था और कुछ काम नहीं करना चाहता था। इस कहानी में एक दूसरा कैरेक्टर जिसका नाम है सरजई। सरजई एक एडवोकेट है और जो उसे पता चलता है कि उसने लश्कोव को पहले कहीं देख लिया है और उस समय उसने अपने आप को एक स्टूडेंट कहकर के इंट्रोड्यूस किया था। उसने कहा था, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। और जब इसने बाद में अपने आप को एक टीचर बताया तो फिर कहीं ना कहीं सरजय को डाउट होता है इसके ऊपर। और जब उनके ओवरशूज़ को देखता है तो उसका जो डाउट था वो यकीन में बदल जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें पुलिस को हैंड ओवर कर दूँगा क्योंकि तुम बहुत चालबाज हो, धोखेबाज हो, धूर्त आदमी हो। तो ये जो बैगर है लश्कोव, ये अपनी गलती मान लेता है और कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अब तो दिल पे हाथ रख के बोलता है कि ये बात सच है कि मैं ना तो स्कूल टीचर हूँ और ना ही मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं सिर्फ एक रशियन बैंड के अंदर पहले गाया करता था और मेरे शराबीपन के कारण, शराब पीने की आदत के कारण मेरे को वहाँ से निकाल दिया गया और तब से मैं जो है जॉबलेस हूँ। मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है और इस तरीके से मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। अगर मैं झूठ ना बोलूँ तो लोग मुझे कुछ भी नहीं देंगे, भीख वगैरह, बैगिंग में कोई मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे झूठ बोलनी पड़ती है। इतना सुनकर के सरजय ने कहा, ठीक है तुम काम करोगे? बोला हाँ मैं काम कर लूँगा, वो लकड़ी काटनी है मेरे लिए। तो जो बैगर है वो कहता है, टालना चाहता है, वो कहता है कि एक्सक्यूज़ करता है कि आजकल जो एक्सपर्ट जो वुड कटर हैं वो भी खाली बैठे हैं, भूखे मर रहे हैं, तो फिर तो काम है ही नहीं। तो सरजई कहता है कि चलो मेरे साथ चलो मेरे घर के ऊपर और तुम्हें मैं काम दूंगा। अभी दोनों घर जाते हैं और उसके बाद में जो सरजई जो एडवोकेट है उसकी एक कुक होती है, उसका नाम होता है ओल्गा। ओल्गा उस लश्कोव को वहाँ जो वुड शेड थी जहाँ पर लकड़ियाँ लगी हुई थी वहाँ ले जाती है और लकड़ी काटने के लिए इसको कुल्हाड़ी वगैरह वो प्रोवाइड करती है। और वो लकड़ी काटने के लिए देखो फिर उसके बाद में क्या होता है, किस तरीके से लकड़ी काटता है नहीं काटता है, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट इज सॉ द स्यूडो टीचर सिट हिमसेल्फ ऑन ए लॉग एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट विद हिज रेड चीक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिश। अब जो उसने है जो सरजई है उसने अपने घर की जो डाइनिंग रूम की जो विंडो थी वहाँ से देखता है कि जो स्यूडो टीचर है, स्यूडो का मतलब जो नकली टीचर है, वो अपने आप को एक लोग के ऊपर एक बड़े से जो लोग है लकड़ी का उसके ऊपर बैठा हुआ था और वो अपने विचारों में खोया हुआ था और उसके जो दोनों गाल जिसके ऊपर रेड स्टेन था या रेड कलर का साइन था उसको अपनी जो है फिस्ट में लेकर के मुट्ठी में लेकर के बैठा हुआ था। द वूमन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट स्पैट एंग्रीली एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगेन टू स्कोल्ड हिम। जो वुमन थी यानी कि उल्गा उसके सामने उसके पैरों में कुल्हाड़ी पटक देती है और गुस्से से वो स्पैट करती है, स्पैट का मतलब थूकती है, और उसके जो लिप्स के जो एक्सप्रेशन है उसे पता चलता था कि उसने उसे डांटना शुरू कर दिया। द बैगर रेजोल्यूटली पुल्ड ए बिलेट ऑफ वुड टुवर्ड्स हिम, सेट इट अप बिटवीन हिज फीट एंड टैप्ड इट फीबली विद द एक्स। और जो बैगर था वो इरेजोल्यूटली कौन होता है, अनिच्छा से एक लकड़ी का टुकड़ा अपनी तरफ खींचता है, दोनों पैरों के बीच में इसे रखा और इसके ऊपर कुल्हाड़ी से धीरे से इसके ऊपर अटैक किया।
द ब्लेड वेवर्ड एंड फेल डाउन, लेकिन जो लकड़ी का जो टुकड़ा था वो हिल करके नीचे गिर जाता है। द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशियसली एज इफ अफ्रेड ऑफ हीटिंग हिज ओवर शू और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड। इसके बाद में क्या होता है कि जो बैगर है उसने एक दूसरा लकड़ी का टुकड़ा लिया फाड़ने के लिए, और अपने जो फ्रीजिंग हैंड्स थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी तो उनके ऊपर वो क्या करता है, फूंक मारता है, और उसके बाद में बड़ी सावधानी से अपनी जो कुल्हाड़ी है उससे उस लकड़ी के ऊपर अटैक किया, जैसे कि उसे डर था कि कहीं और शूज़ के ऊपर हिट ना हो जाए, उसकी उंगली ना कट जाए और जो लकड़ी का जो टुकड़ा था वो भूमि पर दोबारा से गिर जाता है। आगे देखिए, सर्जेई'स एंगर हैड वैनिश्ड एंड ही नाउ बिगेन टू फील अ लिटिल सॉरी एंड अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ फॉर हैविंग सेट ए स्पॉइल्ड ड्रंकन प्रैप्स सिक मैन टू वर्क एट मीनियल लेबर इन द कोल्ड। अब जो सर्जेई है उसका गुस्सा गायब हो जाता है, वैनिश हो जाता है। अब उसने फील करना स्टार्ट किया, उसने थोड़ा सा अफसोस होता है, सॉरी फील करना स्टार्ट किया, अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि उसने एक स्पॉइल्ड का मतलब बिगड़े हुए शराबी और शायद बीमार आदमी को ठंड के अंदर काम पे लगा दिया। एन आवर लेटर ओल्गा केम इन एंड अनाउंस दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड। और लगभग वन आवर लेटर ओल्गा वहाँ पर आती है और कहते हैं उन्हें मैंने जो है सारी लकड़ी काट ली है। गुड, गिव हिम हाफ ए रूबल, सेड सर्जेई। सर्जेई ने कहा कि उसे हाफ रूबल दे दो। तो सर्जेई ने किससे कहा, सर्जेई ने कहा ओल्गा से कि इसे हाफ रूबल दे दो। इफ़ ही वॉन्ट्स ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम। अगर वो चाहे तो यहाँ पर आ सकता है और हर महीने के पहले दिन वो यहाँ पर आके चाहे तो लकड़ी काट सकता है। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, हम हमेशा उसके लिए काम ढूंढ सकते हैं। तो जो है इसके बाद में ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ एन आवर लेटर ओल्गा केम इन एंड अनाउंस दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड। और लगभग वन आवर लेटर ओल्गा वहाँ पर आती है और अनाउंस करती है कि जो सारी लकड़ी है वो काट ली गई है। गुड, गिव हिम हाफ ए रूबल, सेड सर्जेई। इफ ही वॉन्ट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम। तो सर्जेई बोलता है कि अच्छी बात है, उसे हाफ रूबल दे दो, अगर वो चाहे तो हर महीने के पहले दिन आकर के लकड़ी काट सकता है और हमेशा उसे काम दिया जाएगा। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेफ मेड इज अपियरेंस एंड अगेन अर्न हाफ ए रूबल ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स फ्रॉम। अब देखिए, और इसके बाद हर महीने जो वेफ है, वेफ का मतलब वो बैगर है, वो वहाँ पर हर महीने आता था और हाफ रूबल कमा के ले जाता था, और मुश्किल से, हालांकि वो मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पाता लेकिन फिर भी वो काम करता था। फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम। उस दिन से वो अक्सर आया करता था आंगन के अंदर और हर बार उसके लिए काम मिलता था। नाउ ही वुड शावल स्नो, नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेसेस। अब हर बार काम मिलता था, कभी बर्फ़ को हटाने का काम मिलता था, कभी जो वुड शेड थी उसकी सफाई करता था, कभी जो रग्स थे, जो पुराने कपड़े थे उनमें डस्ट को बाहर निकालने का काम करता था, जो गद्दे थे, मैट्रेसेस थे, उनमें से डस्ट को बाहर निकालने का काम किया करता था। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कोपैक्स, और हर बार उसे 20 to 40 कोपैक्स मिला करते थे। एंड वंस इवन ए पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर सेंट आउट टू हिम, और एक बार तो उसे जो पुराने जो ट्राउजर्स थे वो भी उसे दिए गए। व्हेन सर्जेई मूव्ड इनटू अनदर हाउस ही हायर्ड हिम टू हेल्प इन द पैकिंग एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर। दिस टाइम द वेफ
was sober, gloomy and silent. He hardly touched the furniture and walked behind the wagons, hanging his head, not even making a pretense of appearing busy. He only shivered in the cold and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness, his feebleness, and his tattered fancy overcoat. After the moving was over, Sergei sent for him. तो जब सरजई ने अपना रूम बदला था, दूसरे रूम के अंदर, घरों के अंदर चला गया था वो, तो उसने पैकिंग के लिए और सामान को मूव करने के लिए सरजई ने उसको बुलाया दोबारा से, उस बैगर को. और जो वेब था वो बड़ा, इस बार बड़ा सोबर था. सोबर का मतलब काफ़ी सीरियस था, ग्लूमी का मतलब सैड था, और साइलेंट का मतलब चुप था. और मुश्किल से उसने फर्नीचर को टच किया और वो वैगन्स जो जिसमें सामान ले जा रहे थे, फर्नीचर वगैरह, उस गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा था. अपने सिर को नीचे झुकाए और वो किसी प्रकार का बिजी होने का बहाना भी नहीं कर रहा था. और वो ठंड के मारे कांप रहा था. और जब दूसरे जो कार्टर्स थे, जो कुली थे, जब उसका मजाक उड़ाते हैं, जियर्ड एट कमल, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके निठल्लेपन के ऊपर मजाक उड़ाते हैं, उसकी कमज़ोरी के ऊपर उसका मजाक उड़ाते हैं, और उसके फटे कपड़े, फैंसी ओवरकोट के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं, तो एम्बेरेस हो गया, शर्मिंदा हो गया. आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर, जब काम, वो फर्नीचर को शिफ्ट कर दिया गया, ये काम पूरा हो गया, तो सरजई ने उसके लिए बुलाव भेज दिया. वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, ही सैड, handing him a ruble. Here is for your pains. I see you are sober and have no objection to work. What is your name? तो सरजई ने बुलाकर उसे कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे शब्दों का तुम पर असर पड़ा, और उसे एक रूबल दिया और कहा कि ये तुम्हारे लिए जो है ना, तुमने जो मेहनत की है उसका फल है. और मैं देख रहा हूँ कि तुम अब काफ़ी सीरियस हो अपने काम को लेकर के, और काम करने के लिए कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है तुम्हारा. तुम्हारा नाम क्या है? लश्कोव. वेल लश्कोव, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट? खैर लश्कोव, अब मैं तुम्हें और थोड़ा सा अच्छा काम देना चाहता हूँ, साफ़ सुथरा. क्या तुम लिख सकते हो? आई कैन. देन टेक दिस लेटर टू ए फ्रेंड ऑफ माइंड टमेरो and you will be given some coping to do. Work hard, don't drink, and remember what I have said to you. Goodbye. इस लेटर को जो है ले जाकर मेरे फ्रेंड को दे देना कल, और तुम्हें वहाँ पर कुछ कॉपी करने का काम मिल जाएगा. कठिन परिश्रम करना और ड्रिंक मत करना, और याद रखना जो मैंने तुम्हें कुछ कहा है. अलविदा. Pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Lashkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. Lashkov took the letter and from that day forth came no more to the yard for work. Or Sergei was very happy to put that work on work. Us vyakti ko kaam pe laga kar ke Sergei bahut khush tha, aur usne Lashkov ke shoulder ko bhi thapthapaya, aur use jaate samay alvida bhi kaha haath hila kar ke. Lashkov took that letter and after that he did not come back to yard for work. उसके बाद वो आंगन में काम के लिए नहीं आता उसके बाद में. 2 years passed, went by. Then one evening as Sergei was standing at the ticket window of a theater paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap. This little individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coins. और इस तरीके से 2 years पास हो जाते हैं. तो एक दिन, वन इवनिंग क्या होता है कि जो सर्जरी होता है, ही वॉज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो ऑफ ए थिएटर एंड ही वॉज परचेजिंग ए टिकट एंड वैन ही वॉज पेइंग मनी फॉर द टिकट दैन ही नोटिस दैट लश्कोव वॉज स्टैंडिंग ओवर द एयर. उसने एक आदमी को देखा जो कि कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर
एक कोट पहने हुए था जिसकी जो कॉलर थी वो करली फर की थी, मुड़ी हुई इधर फर की बनी हुई थी, और एक सील स्किन कैप उसने पहनी हुई थी, सील मछली की चमड़ी सील मछली की स्किन से बनी हुई कैप पहनी हुई थी। और ये जो इंडिविजुअल था काफ़ी आराम से टिकट सेलर से कहा कि गैलरी के लिए उसके एक सीट दे दें उसे, और उसके लिए उसने जो पेमेंट की वो कॉपर कॉइन्स में की। लश्कोव इज़ दैट यू, क्राइड सर्जई रिकग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन इज फॉर्मर वुड चॉपर। हाउ आर यू, वट आर यू डूइंग, हाउ इज़ एवरीथिंग विद यू। तो सर्जई आइडेंटिफाइड दैट बैगर, दैट मैन हु वॉज पेइंग इन कॉपर कॉइन्स, और उसने कहा कि लश्कोव अरे तुम, और उसे रिकग्नाइज करता है, पहचान लेता है कि ये वही व्यक्ति है जो उसके लिए वुड चॉपिंग का काम किया था उसने। और कैसे हो, क्या कर रहे हो आजकल, बिल्कुल ठीक, सब कुछ ठीक ठाक है। ऑल राइट, आई एम ए नोटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स ए मंथ। हाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं एक नोटरी हूँ आजकल और मुझे 35 रूबल्स महीने के मिलते हैं। थैंक हेवन दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, आई एम वेरी 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 ग्लैड लश्कोव, यू सी यू आर माई गॉड सन इन ए सेंस, आई गेव यू ए पुश अलोंग द राइट पाथ, यू नो, डू यू रिमेंबर वट ए रोस्टिंग आई गेव यू, आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे, थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स। तो सर्जई उसे कहता है कि भाई भगवान का शुक्र है कि सब कुछ ठीक ठाक है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, आई एम वेरी हैप्पी लश्कोव टू सी दैट यू आर इन ए गुड स्टेट, गुड कंडीशन, एंड यू आर जस्ट लाइक माई गॉड सन, तुम मेरे बिल्कुल गॉड सन हो, गॉड सन का मतलब होता है तुम मेरे लिए धर्म के बेटे हो, धर्म पुत्र हो एक सेंस में, मैंने तुम्हें पुश किया, इनक्रेज किया राइट पाथ के ऊपर चलने के लिए, तुम जानते हो, और तुम में याद है ना मैंने तुम्हें कितना डांटा था और कहता है कि मैंने तो तुम्हें उस दिन कहता है कि बिल्कुल भूमि में गाड़ दिया था, इतना यानी कि शर्मिंदा किया था तुम्हें, एम्बेरेस किया था, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्कोल्डिंग एंड मेकिंग यू एम्बेरेस्ड यू मस्ट हैव फेल्ट रिग्रेट, थैंक यू ओल्ड मैन। और वो सरजय कहता है कि बहुत बहुत थैंक यू आपका, धन्यवाद मेरे शब्दों को ना भूलने के लिए, थैंक यू टू सैड लश्कोव। लश्कोव ने कहा कि आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इफ़ आई हैडन्ट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और ए स्टूडेंट टू दिस डे, यस बाई फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ ए पिट। लश्कोव थैंक्स सरजई सेइंग दैट ही माइट बी वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर टेलिंग लाइज एंड कॉलिंग हिमसेल्फ अ टीचर और ए स्टूडेंट इफ ही हैड नॉट कम टू हिम और केम अक्रॉस ही हैड नॉट कम अक्रॉस सरजई। तो भी लश्को भी मानता है कि हाँ अगर और सर्जरी से वो नहीं मिलता तो शायद वो झूठ बोल रहा होता, अपने आप को कभी टीचर बोल रहा होता, कभी स्टूडेंट बोल रहा होता, लेकिन उसके पास आने से, उनकी प्रोटेक्शन में आने से अब कहता है कि मैंने अपने आप को, उसने अपने आप को एक गड्ढे से बाहर निकाल लिया, आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, मैं भी बहुत खुश हूँ, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक। अब यहाँ पर आई एम वेरी ग्लैड ये किसने कहा, ये लश्कोव ने कहा, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, ये यहाँ पर ये जो वर्ड है ये लाइन कही गई है सर्जई के द्वारा, सर्जई ने कहा मैं भी वास्तव में बहुत खुश हूँ। तो लश्कोव ने कहा कि थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक, गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन, यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी इंडेबटेड टू यू to my dying day, but strictly speaking it was your cook Olga who saved me. Now Lashkov jo hai he reveals the fact, he said that definitely he could not forget the gratitude of him, but he was also grateful to
कुक ऑफ सरजई। सरजई जो कुक थी ओल्गा उसके प्रति बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल था और कहता है भगवान उसको हमेशा खुश रखे उस गुड और नोबल वुमेन को। और यू स्पोक फाइनली देन, तब आपने बिल्कुल सही कहा था और मैं हमेशा आपका ऋणी रहूँगा मरते दिन तक। और अगर मैं बिल्कुल सही सही शब्दों में कहूँ, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कहूँ, तो मैं कहूँगा कि आपकी जो कुक है ओल्गा उसने मुझे बचाया। हाउ इज़ दैट, ये कैसे हो सकता है? When I used to come to your house to chop wood, she used to begin, "Oh, you sot, you, oh, you miserable creature, there's nothing for you but ruin." तो लश को बताता कि जब मैं आपके घर पे लकड़ी काटने के लिए आता था तो मुझे कोसती थी, मुझे कर्स करती थी, मुझे कहती थी कि ओ ड्रंकर्ड, सोट का मतलब ड्रंकर्ड, ओ पियक्कर्ड, ओ मिजरेबल क्रिएचर, देर इज नथिंग फॉर यू बट रुइन, तुम्हारे लिए बर्बादी की सिवाय कुछ नहीं है। एंड देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी एंड ग्रो सैड, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती थी और उदास हो जाती थी। लुक इन टू माई फेस एंड वीप, मेरे चेहरे को देख करके रोने लगती थी। ओ यू अनलक्की मैन, देर इज नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड देर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, इस संसार में तुम्हारे लिए कोई खुशियाँ नहीं है और ना ही आने वाले समय में और ना ही परलोक में, ना तो इस लोक में ना ही परलोक में तुम्हारे लिए कोई खुशी है। यू ड्रंकर्ड, तुम बेवड़े, यू विल बर्न इन हेल, तुम नरक में जलोगे। ओ यू अनहैप्पी वन, एंड सो शी वुड कैरी ऑन, यू नो इन दैट स्ट्रेन आई कैन नॉट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड, हाउ मेनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक। और वो कहता है कि उसी प्रकार से मुझे कहती रहती थी, डांटती रहती थी, उसी भावना के साथ में, उसी स्ट्रेन के साथ में, और मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि कितनी दुख तकलीफ उसने मेरे लिए झेली हैं, उसने मेरे लिए आंसू बहाए मेरी खातिर। बट द चीप थिंग वॉज शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, लेकिन जो मेन बात है, इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि वो मेरे लिए लकड़ी काटा करती थी। Do you know, sir, that I did not chop one single stick of wood for you? क्या आप जानते हैं श्रीमान जी कि मैंने आपके लिए लकड़ी का एक तिनका भी नहीं काटा। She did it all, ये सब काम उन्होंने किया था। Why this saved me? Why this saved me? Why I changed? Why I stopped drinking at the sight of her? I cannot explain. ये इस सब ने इसने मुझे क्यों बचा लिया, क्यों मैं बदल गया, क्यों मैंने शराब पीना छोड़ दिया, उसको देख करके मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कहने का मतलब, नाउ लश्को हैड गिवन अप द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, ही हैड कम्प्लीटली चेंज्ड हिज लाइफस्टाइल एंड इट वाज ऑल पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द काइंडनेस दैट वाज शोन बाय दैट वाज शोड बाय ओल्गा द कुक ऑफ सरजई। आई ओनली नो, मैं तो यही जानता हूँ, ओइंग टू अवर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स ए चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट। मैं कहता है कि मैं जानता हूँ मैं उनका ऋणी हूँ, उसके शब्दों का, उसके आदर्श कार्यों का, नोबल डीड्स का, किससे क्या हुआ कि मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। शी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट, उसने मुझे सही रास्ते पर ला दिया और मैं कभी नहीं भूलूंगा। However, it is time to go now. किंतु अब समय हो गया जाने का। There goes the bell, वहाँ पर एक घंटी बज गई। लश्को bowed and disappeared to the gallery. लश्को अपने सिर को झुकाया और गैलरी की तरफ आगे बढ़ने के लिए हाथ को हिलाया। कहने का मतलब, लश्को bowed and departed to the gallery. लश्को ने सिर को झुका करके और वो गैलरी की तरफ आगे बढ़ गया। गैलरी यानी कि सिनेमा हॉल की जो गैलरी थी उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। तो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी एंड आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट अ बेगर हुज हार्ट वॉज चेंज्ड बाय द काइंडनेस ऑफ अ लेडी हु वॉज कुक ऑफ सरजई। सरजई वॉज एन एडवोकेट। ओके, and if you are a newcomer on my youtube channel then please subscribe my channel and share with your friends
एंड ऑल्सो गिव योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट बॉक्स. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.